नमस्कार साथियों, करियर ट्विस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है हासुलिपि उच्च गति अभ्यास, गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। विमान से अपने गंतव्य तक आवाजाही को एक सबसे सुव्यवस्थित यात्रा के तौर पर देखा जाता रहा है, मगर पिछले कुछ समय से उड़ानों में देरी, विमान में तकनीकी खराबी से लेकर हवाई अड्डों पर बढ़ती भीड़ आदि से जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, उसमें यह धारणा टूट रही है। हवाई जहाज से कहीं आने जाने वाले लोग अब तक यह मानने लगे हैं कि इसमें भी उन्हें कई तरह की अव्यवस्था और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, भले ही वह परिस्थिति जन्य हो। हवाई यात्रा के दौरान किसी यात्री के दुर्व्यवहार या उसकी अराजकता से उपजी स्थिति बहस का मुद्दा बनती है और उसके बाद उस मामले में कानून या नियमों के मुताबिक कार्रवाई भी होती है। मगर विमानों में तकनीकी खराबी, लेट लतीफी और हवाई अड्डों पर अव्यवस्था को एक परिस्थितिजन्य समस्या मानकर उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है या फिर उसे दुरुस्त करने के आश्वासन पर लोग संतोष कर लेते हैं, जबकि विमान संचालन अपने समग्र रूप में एक बेहद संवेदनशील तंत्र है और इसमें भी किसी भी पहलू को नज़रअंदाज करने या उसके प्रति लापरवाही बरतने का खामियाजा बेहद गंभीर हो सकता है। पिछले कुछ महीनों के दौरान उड़ान के बाद किसी भी तकनीकी खराबी का पता चलने पर विमान को आपात स्थिति में किसी हवाई अड्डे पर उतारने की नौबत आई, जबकि विमान में आई तकनीकी खराबी के पहलू पर किसी तरह की कोताही न बरते जाने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि इसमें बेहद मामूली लापरवाही के नतीजे का अंदाज़ा भर लगाया जा सकता है। विमान के भीतर भी कई प्रणाली चूँकि तकनीकी स्तर पर स्वचालित होती है, इसलिए सभी स्तर पर जांच में सब कुछ दुरुस्त पाए जाने के बाद ही उड़ान की इजाज़त मिलनी चाहिए। मंगलवार को मुंबई से बंगलुरु जा रहे एक विमान में जिस तरह शौचालय का दरवाज़ा बंद हो जाने से एक यात्री भीतर ही फंस गया और अपनी यात्रा का बाकी एक घंटा उसे उसी हालत में काटना पड़ा। वह दिखने में कोई सामान्य तकनीकी खामी लग सकती है, मगर यह समझना मुश्किल नहीं है कि ऐसी हालत में किस तरह के जोखिम पैदा हो सकते हैं। राहत की बात बस यह रही है कि विमान अगले पड़ाव पर उतरा और इंजीनियर की मदद से शौचालय के दरवाजे को खोलकर यात्री को सुरक्षित उतारा गया। उससे माफ़ी मांगी गई, उसका किराया लौटाया गया। सवाल है कि क्या सिर्फ खेद जाहिर करना और यात्री का किराया लौटा देना ऐसे मामलों का समाधान हो सकता है? कुछ ही दिन पहले उड़ान में व्यवधान या 10-12
घंटे की देरी की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। समाप्त।